Hello everyone, very warm and very cheerful welcome to all of you. Myself Yashswi Vyas from Resonance pre-medical department. तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन एवं अंतरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन। अभी तक का जो हमारा ओवरऑल जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 का मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसका अप्रोक्सीमेटली हम एंड पॉइंट पर आ चुके हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन डिस्कशन किया था, राइट? आई होप आपने वो सारे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा, राइट? तो आज हम स्टार्ट करने वाले निषेचन और अंतरोपण। काफी क्वेश्चंस आते हैं नीट में, 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपके इस चैप्टर से बन जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम यही वाला टॉपिक। तो देखिए, निषेचन एवं अंतरोपण, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंग्लिश में इसको बोला जाता है, वेट अ सेकेंड, फर्टिलाइजेशन एंड अंतरोपण को बोला जाता है बच्चों इम्प्लांटेशन, राइट? क्या होता है बेसिक डिफरेंस? ओफो, इम्प्लांटेशन, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। निषेचन वाली टर्म से आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हो चुके हैं, राइट? क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देख लिया था, जो सारा जो चैप्टर इर्द गिर्द घूम रहा है ना, वो निषेचन ही एक ऐसा पॉइंट है जिससे ये पूरा चैप्टर आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो निषेचन क्या था बच्चों? निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मीनिंग ये था कि जब मेल गैमेट यानी कि नर युग्मक मादा युग्मक के साथ यानी कि फीमेल गैमेट के साथ में मिलेगा, फ्यूज होगा और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? दोनों मिलकर युग्मक बनाएंगे, यानी कि किसका निर्माण करेंगे? वो जायगोट का निर्माण करेंगे। युग्मनज बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश में बोला जाता है जायगोट, राइट? तो ये जायगोट का डेवलपमेंट होगा। जायगोट से किसका डेवलपमेंट होगा? एम्ब्रियो का यानी कि भ्रूण का। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो आपको हर एक लाइन के अंदर बहुत अच्छे से उसको समझना है कॉन्सेप्ट के साथ में, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन दे देगा बट उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या क्वेश्चन बन रहा है, वो सारी चीजें आपको तभी समझ आएगी जब आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्त्री एवं पुरुष के संभोग यानी मैथुन, इंग्लिश में बोला जाता है कोप्यूलेशन, के दौरान शिश्न द्वारा शुक्र वीर्य स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है, यानी कि वीर्यसेचन होता है। इनसेमिनेशन जो हमने आपको इंग्लिश की टर्म बताई थी, राइट? जो सीमन है जब फीमेल के वेजाइना में इंट्रोड्यूस होगा, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इनसेमिनेशन। गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरते हुए गर्भाशय यानी कि यूट्रस, ग्रीवा से होकर, ग्रीवा का मीनिंग क्या होता है? सर्विक्स से होकर गर्भाशय में प्रवेश करते हैं। गर्भाशय का मीनिंग आपको बता चुकी हूं, यूट्रस। सर्विक्स से होते हुए यूट्रस में जाएंगे और अंततः अंडवाहिनी नली के तुम्बिका यानी कि एम्पुला क्षेत्र में पहुंचते हैं। तो बच्चों यहां से क्वेश्चन बनता है आपका, राइट? यहां से आपका क्वेश्चन बनता है कि फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहां पर होता है? तो कहां पर होता है? अंडवाहिनी नली के तुम्बिका क्षेत्र तक पहुंचते हैं और वहीं पर निषेचन होता है। इसी बीच अंडाशय द्वारा मोचित अंडाणु भी तुम्बिका क्षेत्र पर पहुंच जाता है। किसकी बात की? शुक्राणु भी वहीं पर पहुंच गया और अंडाणु भी वहां पर पहुंच गया है। अंडाशय द्वारा मोचित अंडाणु भी वहां पर पहुंच जाता है यानी कि ओवम, राइट? किसकी बात की है हमने? ओवम की। तो स्पर्म एंड ओवम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। देखिए अब, जहां निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, तो क्वेश्चन आपसे कहां पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? तो फर्टिलाइजेशन होता है तुम्बिका यानी कि एम्पुला क्षेत्र में होता है। आगे देखिए, निषेचन तभी हो सकता है, अगेन इंपॉर्टेंट लाइन, मां कर लीजिए इस लाइन को, निषेचन तभी हो सकता है यानी कि फर्टिलाइजेशन तभी होगा। तो कौन सी कंडीशन दी हुई है? कंडीशन दी हुई है यदि अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय में तुम्बिका क्षेत्र पर पहुंच जाए। यही कारण है जिससे कि सभी संभोक्रियाएं निषेचन व सगर्भता की स्थिति में नहीं पहुंच पाती है। हर बार का जो कोप्युलेशन है क्या वो फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करता है? आंसर विल बी नो, नहीं। क्या हर टाइम का जो कोप्युलेशन है वो हर टाइम का कोप्युलेशन क्या किसको डिनोट करता है? सगर्भता को डिनोट करता है, प्रेगनेंसी को डिनोट करता है? आंसर विल बी नो। क्यों? क्योंकि निषेचन तभी होगा जब अंडाणु यानी कि ओवम और शुक्राणु यानी कि स्पर्म एक ही टाइम पर एम्पुला रीजन पर यानी कि तुम्बिका क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। एक ही टाइम पर उनकी एंट्री होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कौन सा रीजन है, यह है एम्पुलरी रीजन, राइट, ये एम्पुलरी रीजन। तो यहाँ पर स्पर्म भी इसी टाइम पे आना चाहिए और ओवम भी इसी टाइम पर आना चाहिए। उसी टाइम पर दोनों एक दूसरे के साथ में मिलेंगे और किसको डिनोट करेंगे? फर्टिलाइजेशन को। अगर इन तो ये तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन बता दी मैंने आपको, ये कंडीशन कौन सी? ये स्पर्म तो आ गया बट जो ओवम है वो नहीं आया। तो क्या अकेला ही शुक्राणु के साथ में क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन करेगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, अगर ओवम आ चुका है और स्पर्म नहीं आया है तभी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मिलना जरूरी है और दोनों अगर एक टाइम पर नहीं आएंगे तो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन नहीं होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो निषेचन तभी होगा जब अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही टाइम पर पहुंच जाते हैं। आगे देखिए, ओके, शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण यानी कि ज़ोना पेलुसिडा, पहले मैं डायग्राम आपको समझा देती हूँ ताकि आप इसको समझ पाओ। ओके, तो देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है बच्चों। किसका डायग्राम दिया हुआ है? कुछ शुक्राणुओं द्वारा घिरा हुआ अंडाणु। किसका डायग्राम है ये? ओवम का, राइट, ये ओवम का डायग्राम है। तो देखिए यहाँ पे ये बीच वाला पार्ट है, ये इसके ऊपर कौन सी लेयर है? सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर है वो इसकी परिपीतक अवकाश यानी कि पेरिवाइटलाइन स्पेस। क्या बोला जाता है इंग्लिश में इसको? पेरिवाइटलाइन स्पेस, राइट। तो देखिए यहाँ पर उसके बाद में एक लेयर होती है, जो ग्रीन कलर की आपको लेयर नजर आ रही है वो है ज़ोना पेलुसिडा। कौन सी है वो? ज़ोना पेलुसिडा। और आसपास ये जो आपको नजर आ रही है रेड कलर से, दिस इज अरिया किरिट यानी कि कोरोना रेडिएटा की सेल्स होती है। यानी कि जब शुक्राणु आता है तो शुक्राणु को कुछ पड़ावों को पार करना होता है। जब उसने वो पड़ाव पार कर लिए तब जाकर वो ओवम की वॉल को जो है तोड़ पाता है। बात समझ में आ रही है मेरी? तो मैं क्या बता रही हूँ आपको, ये शुक्राणु आया, ये स्पर्म आया, सबसे पहले इसको किसको तोड़ना है? ये तोड़ेगा किसको? कोरोना रेडिएटा को ये तोड़ेगा। उसके बाद में कौन सी लाइन आई, कौन सी बॉल आई? ज़ोना पेलुसिडा। उसको ज़ोना पेलुसिडा को भेदना होगा और लास्ट में फिर ये जो परिपीतक अवकाश के को क्रॉस करते हुए स्पर्म जो है अंदर एंट्री ले लेगा। इस तरीके से फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब देखें यहाँ पर लाइन देखते हैं हम। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण यानी कि ज़ोना पेलुसिडा स्तर के संपर्क में आता है, डायग्राम में देख लिया हमने, और अतिरिक्त शुक्राणु के प्रवेश को रोकने हेतु उसके उक्त स्तर में बदलाव प्रेरित करता है। अब जैसे ही एक स्पर्म एंट्री ले लेता है बाकी स्पर्म की एंट्री बंद हो जाती है बच्चों, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पे? पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करना है। पॉलीस्पर्मी क्या होती है बच्चों? देखिए पॉलीस्पर्मी, बहुत सिंपल सा वर्ड है। पॉली का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, और स्पर्मी का मतलब क्या है, स्पर्म, यानी कि एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री को रोकना है। तो जैसे ही एक स्पर्म की एंट्री होती है वैसे ही ये कोनानिडिटा क्या करती है, जो ओवम की जो वॉल होती है उसको हार्ड बना लेती है ताकि दूसरा कोई स्पर्म एंट्री अंदर ना ले सके। किसके अंदर, ओवम के अंदर एंट्री ना ले सके। बात समझ में आ रही है मेरी? तो वही चीज बोली जा रही है यहाँ पे, उक्त स्तर में बदलाव। उक्त स्तर का में बदलाव का मतलब है उसकी जो वॉल है, ओवम की जो वॉल है उसको इतना हार्ड कर देता है ताकि जैसे एक स्पर्म में एंट्री ले ली, उसने अपना सेंट्रियोल अंदर दे दिया, वैसे ही बाकी के जो स्पर्म है वो अंदर एंट्री ना ले सके। अगर ज्यादा स्पर्म ने एंट्री ले ली तो वो क्या हो जाएगी, वो पॉलीस्पर्मी हो जाएगी। राइट, तो देखिए इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि एक अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकता है। ओनली वन स्पर्म इज रिक्वायर्ड। फाइन। अग्रपिंडक का श्रवण शुक्राणु की पारदर्शी अंडावरण के माध्यम से शुक्राणु के कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म तथा प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है। अग्रपिंडक क्या था, एक्रोसोम। बताया था मैंने आपको ह्यूमन स्पर्म का जो डायग्राम बताया था, के माध्यम से अंडाणु के कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म तथा कोशिका भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि इस एक्रोसोम के अंदर क्या होता है बच्चों, इस एक्रोसोम के अंदर कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। वही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, इस ओवम की वॉल को, इस ओवम की भित्ति को तोड़ने में मदद करते हैं। जैसे जैसे वो भित्ति टूटती जाती है वैसे वैसे शुक्राणु अंदर एंट्री लेता जाता है। आगे देखते हैं हम। देखिए I think some problem are there. Anyways, मैं जैसे आपको बता रही हूँ, यह द्वितीयक अंडक के अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है। क्या होगा, जैसे ही क्या हो चुका है, प्लाज्मा भित्ति के प्रवेश में अंदर एंट्री उसको मिल चुकी है। यह द्वितीयक अंडक के अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है। अब क्या होगा, अब अर्धसूत्री का मतलब क्या था, मियोसिस डिवीजन को प्रेरित करता है। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन कैसा होता है, असमान। याद हो तो आपको, जब हमने आपको oogenesis पढ़ाया था, राइट, जब oogenesis मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मियोसिस डिवीजन जब होता है तो अनइक्वल डिवीजन होता है ओवम के अंदर। उस वजह से एक तो बड़ी सेल बनती है, एक छोटी सेल बनती है। तो बड़ी वाली को तो हमने बोल दिया था, राइट, सेकेंडरी oocyte, बट जो छोटी वाली थी वो क्या थी, वो थी पोलर बॉडी, राइट, असमान विभाजन का रिजल्ट थी। तो देखिए यहाँ पर असमान विभाजन के कारण इसके फलस्वरूप द्वितीयक ध्रुवीय पिंड सेकेंडरी पोलर बॉडी की रचना होती है। तो यहाँ पे सेकेंडरी पोलर बॉडी की रचना हो गई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए द्वितीयक ध्रुवीय पिंड कब बनेगा, तो द्वितीयक पोलर सेकेंडरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कब होगा, तो वो कब होगा, अर्धसूत्री विभाजन जब हो जाएगा, यानी कि स्पर्म की एंट्री एक बार हो जाएगी, उसके बाद में सेकेंडरी पोलर बॉडी का निर्माण होगा, राइट, निषेचन से पहले, और निषेचन से पहले ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। आगे देखिए, और एक अगुणित अंडाणु डिंबाणु प्रसू या ऊटिड बनता है। शीघ्र ही शुक्राणु का अंडाणु के अगुणित केंद्रक के साथ संलयन यानी कि फ्यूजन होता है। फ्यूजन देखने को मिलेगा जिससे कि द्विगुणित युग्मनज की रचना होती है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर क्या होगा, फाइनली जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है। सेकेंडरी पोलर बॉडी कब बनी थी, फर्टिलाइजेशन से पहले, राइट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेकेंडरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कब हुआ, तो आंसर आप क्या देंगे, आप आंसर देंगे फर्टिलाइजेशन से पहले और स्पर्म की एंट्री के बाद। स्पर्म की एंट्री हो चुकी है बट अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है समझने वाला। अब आप बोलेंगे कि मैम किस पंप की एंट्री हो गई तो फर्टिलाइजेशन तो हो गया ना। नो बच्चों, ऐसा नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे अपने पड़ाव को पार करेगा वो, जैसे अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, धीरे धीरे तरीके से। इसका मतलब क्योंकि इस पर ये जो आपको मैंने आपको अभी जो अंडाणु का डायग्राम बताया, उसके अंदर जोना सबसे पहले क्या था, परिपीतक अवकाश था, उसके बाद में जोना पेलुसिडा थी, उसके बाद में उसके ऊपर कोरोना रेडिएटा थी। तो धीरे धीरे तरीके से उन सारी भित्तियों को वो तोड़ेगा, उसके बाद में जब वो पूरा अंदर तक पहुंच जाएगा तब होगा निषेचन। तो समझ में आई बात। बाकी जब वो उसने भेदना स्टार्ट किया, मतलब कि स्पर्म ने एंट्री तो ले ली, गेट के अंदर एंटर तो कर गया, बट वो उसका जो रूम था वो वहां तक नहीं पहुंचा। ऐसे समझिए आपका घर है, आपके घर के अंदर जो आपका मेन एंट्रेंस है, आपने वहां पे तो एंट्री ले ली बट आप अभी तक अपने रूम तक नहीं पहुंचे हो। तो स्पर्म ने एंट्री तो ले ली थी बट फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उस टाइम पर किसका निर्माण हो गया, सेकेंडरी पोलर बॉडी का। गेट माई पॉइंट? ओके फाइन। आगे देखिए, हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इसी चरण में शिशु के लिंग का निर्धारण यानी लड़का या लड़की का होना सुनिश्चित हो जाता है। अगर अब यहाँ पे सेक्स डिटरमिनेशन दिया हुआ है, अगर देखिए यहाँ पे एक्स एक्स है और यहाँ पर है, ये क्या हो रहा है, एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए ये एक्सेस किसका होता है, मदर, और ये फादर, ठीक है, यानी कि बॉय गर्ल। अब ये अगर देखिए यहाँ पे मैं आपको और सिंपल तरीके से बता देती हूँ, अगर एक्स एक्स होगा, एक्स के साथ में, क्योंकि मदर के पास में कोई जो है ऑप्शन नहीं है, उनके पास में एक्स एक्स पेयर ही है, बट फादर के पास में एक्स वाई है, राइट। तो जब ये एक्स इस एक्स के साथ में होगा तो एक्स एक्स बनाएगा, जब ये एक्स इसके साथ में होगा तो एक्स वाई बनाएगा, ये एक्स इसके साथ में होगा तो एक्स एक्स बना लेगा, और ये x इसके साथ में होगा तो x y बना लेगा। क्लियर? तो इस केस में गर्ल बनेगी, इस केस में बॉय बनेगा, इस केस में अगेन गर्ल बनेगी और इस केस में बॉय बनेगा। क्लियर? तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 50-50% है, 50% गर्ल चाइल्ड बनने के और 50% बॉय चाइल्ड बनने के। अब ये मदर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज मदर के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास में वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है, दैट इज एक्स एक्स, बट फादर के पास में एक्स वाई है, ठीक है। तो हमारी जो सोसाइटी है, देख लीजिए आप, तो जो बोला जाता है जैसे कि गांव वाले रीजन होते हैं या फिर कहीं भी, आजकल ये चीज़ें कम हो गई बट फिर भी कई जगह बोला जाता है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, जिनको ये सारी चीज़ें पता नहीं होती है, वो प्रेशर डालते हैं फीमेल पे कि बेबी चाइल्ड, जो गर्ल चाइल्ड क्यों है, बेबी बॉय चाइल्ड क्यों नहीं है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें फीमेल पे डिपेंड नहीं करती, ऑल दो फादर पे भी डिपेंड नहीं करती है, बट जो हम ब्लेम लगाते हैं फीमेल पर कि बॉय चाइल्ड नहीं हो रहा है, तो उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, जिसमें मदर की तो कोई गलती है ही नहीं, बिकॉज उनके पास में तो केवल एक्स एक्स क्रोमोसोम है। अगर आपको ब्लेम करना है तो फादर को कीजिए, ऑल दो फादर को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी के पास में ऐसे चॉइस नहीं है कि कौन सा जो आपका सेट है वो आगे जाएगा, राइट। तो एक्स एक्स और एक्स वाई, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, आगे हम ये कैसे देख सकते हैं, स्त्री में गुणसूत्र का स्वरूप XX है और पुरुष में XY है, क्लियर है, ठीक है। इसलिए स्त्री द्वारा उत्पादित अगुणित युग्मक को अंडाणु में X लिंग गुणसूत्र होते हैं, इसलिए 50% शुक्राणु में X लिंग गुणसूत्र और दूसरे 50% शुक्राणु में Y लिंग होते हैं। आगे देखिए, इसलिए पुरुष एवं स्त्री युग्मकों के संलयन के पश्चात युग्मनज में या तो XX या फिर XY लिंग गुणसूत्र की संभावना होगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि X या Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में से कौन से अंडाणु का निषेचन होता है, राइट। वही डिपेंड करता है कि वो कौन सा आगे जा रहा है। जिस युग्मनज में XX गुणसूत्र होता है वह मादा शिशु लड़की बनती है, जबकि XY गुणसूत्र होता है तो क्या बनता है, नर शिशु लड़का बनता है, राइट। ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आप जो है आपका आगे चैप्टर नंबर 5 उसमें भी ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं। आगे देखिए, Wait a second. ओके फाइन, समसूत्री विभाजन। अब देखो समसूत्री विभाजन क्लीवेज क्या होता है। जैसे ही बच्चों जायगोट का निर्माण हो गया, यहाँ पे था ये ओवम बना दिया है मैंने और ये है स्पर्म, दोनों ने एक दूसरे के साथ में क्रॉस किया, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, अब जायगोट बनेगा। ये बन चुका है जायगोट। अब ये जायगोट क्या करेगा, इस जायगोट के अंदर क्या होगा, क्लीवेज होगा। क्लीवेज का मीनिंग क्या होता है, विदलन। यानी कि एक ऐसी बॉल है, एक ऐसा बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कोशिकाओं का क्या होगा, विभाजन होगा, बट उनका साइज बड़ा नहीं होगा अभी, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, उसी को बोला जाता है क्लीवेज। क्योंकि हमें क्या बनाना है, हमें एम्ब्रियो का निर्माण करना है, भ्रूण का विकास करना है, किससे, जायगोट से। तो ये तो सिंपल सेल है, सिंगल सेल है, तो भ्रूण के अंदर तो हमें इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनानी है। तो आपको पता है कि कई कोशिकाएं मिलकर अंग बनाती है, अंग मिलकर अंग तंत्र बनता है, पूरा ऑर्गन सिस्टम लाइक दैट, उस तरीके से पूरा चलता है। तो यहाँ पर तो एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल क्या करेगी, अब उसको डिवाइड करना पड़ेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32 इस तरीके से बनेंगी। और जब वो कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा उसके बाद में अंगों का निर्माण होगा। तो ये जो प्रोसेस है, जायगोट जैसे ही बने, जायगोट बनने के बाद में क्या होगा, क्लीवेज होगा। क्लीवेज का मतलब क्या है, विभाजन, कोशिकाओं का विभाजन, जो कि कोशिकाओं का नंबर तो बढ़ा रहा है परंतु उसके साइज में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। समझ में आई मेरी बात। तो शुरुआत तब हो जाती है जबकि युग्मनज अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ स्तमज से गर्भाशय की ओर बढ़ता है। आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है, अंडाणु का अभिगमन निषेचन एवं अंडवाहिनी नली से होकर वर्धनशील भ्रूण का गुजरना, राइट। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ए दिया हुआ है, ये यहाँ पर ए है, ठीक है। क्या हो चुका है यहाँ पर, अब धीरे धीरे ये है ओवम, ओवम जो है रिलीज हो चुका है। जैसे ही ओवम रिलीज हुआ, ये बी क्या है, ये है बी, ये है ए, राइट। ये था ओवम, ओवम के ऊपर पूरी अभी लेयर्स है। उसके बाद में बी, जब इसके ऊपर पूरी जैसे स्पर्म ने एंट्री ले चुकी है तो सारी चीजें पड़ते हट जाएंगी, सारी वॉल्स हट जाएंगी। तो स्पर्म एंट्री ले चुका है, स्पर्म एंट्री ले चुका है यानी कि फर्टिलाइजेशन अब हो चुका है। जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये सी, सी का मतलब क्या है, जायगोट बन चुका है, ये सी नंबर पे जायगोट बन चुका है। अब जैसे ही जायगोट बन गया उसके बाद में क्या स्टार्टिंग हो जाएगी, किसकी स्टार्टिंग हो जाएगी, क्लीवेज की। क्लीवेज का मतलब यह है बच्चों कि जायगोट के बाद में कोशिकाओं का विभाजन शुरू हो चुका है, उसी को बोल रहे हैं हम क्लीवेज यानी कि विदलन। ये स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में ये विभाजन चलता रहेगा। ये डी देखिए, 2 सेल थी, 2 से 4 बनी, 4 से फिर 8 बनी, ये ई, ये रहा ई, ये है ई, 2 तक। अब ये जो 8 से 16 वाली जो स्टेज आती है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मोरूला, राइट। ये मोरूला बन चुका है ई पर। अब ये जाएगा अंदर धीरे धीरे तरीके से यूट्रस में जाएगा और यूट्रस में जाने के बाद ये जी एच, ये जो गर्भाशय की वॉल है, इस गर्भाशय की वॉल से जब ये मोरूला ब्लास्टुला बनेगा, राइट। धीरे धीरे इसकी स्टेज आती है, मोरूला के बाद में ब्लास्टुला। जब ये ब्लास्टुला किसके साथ में, यूट्रस की वॉल के साथ में फ्यूज हो जाएगा, अंतरोपित हो जाएगा, उसी को बोला जाता है फिर कोरकपुटी रोपण। समझ में आई बात। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इन वॉल से अभी दूर था, इन वॉल से अभी ये दूर था, बट अब क्या हो चुका है, अब इन वॉल से बिल्कुल फ्यूज हो चुका है। देख रहे हो आप इस वाले डायग्राम में, ये जो वॉल है पिंक कलर की, ये इससे फ्यूज हो चुका है। जैसे ये इससे फ्यूज हो जाता है, इस स्टेप को आप बोलते हो कोरकपुटी रोपण यानी कि इम्प्लांटेशन। तो ये प्रोसेस ओवरऑल कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हो जी और ये एफ, एफ का मतलब ये है कि इनका जो सेल्स का जो डिवीजन है, जो विभाजन है, वो जो बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। और फाइनली एच वाली स्टेज आ गई कोरक पुट्टी रोपण, राइट। तो ये प्रोसेस कंप्लीट इस तरीके से हो जाता है। यहाँ पर ये दिया हुआ है, देख लेते हैं हम। और तब यह 2, 4, 8, 16 संतति कोशिकाओं जिसे कोराखंड कहते हैं। जायगोट के पास में क्या थी, 2 सेल थी, 2 से 4, 4 से 8 बने। इस तरीके से हर एक सेल को आप क्या बोलते हो, ब्लास्टोमियर्स, यानी कि कोरक खंड। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको, ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर्स। 8 से 16 भ्रूण को क्या बोला जाता है, तूतक, यानी कि मोरूला। 8 सेल और 16 सेल स्टेज को। यह तूतक लगातार विभाजित होता रहता है और जैसे जैसे गर्भाशय की ओर बढ़ता है यह कोरक बुटी ब्लास्टोसिस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे जैसे क्या होता है बच्चों, ये गर्भाशय की ओर बढ़ेगा, जैसे यूट्रस की तरफ आता जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाती है, ब्लास्टुला से ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट में बनने का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर की जो जोनल पेल्सुडा लेयर है वो रिमूव हो जाती है। उसका मतलब यह है कि अब वो रिमूव हो गई तब वो ब्लास्टोसिस्ट में चेंज हो जाएगा। यह एक कोरक पुट्टी में कोराखंड बाहरी परत से व्यवस्थित होते हैं, जिसे पोस्ट कोरक यानी कि ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। इस तरीके से होता है। ये बाहर वाली लेयर है ये, और इनके अंदर कुछ सेल्स का बंच होता है। मैं अलग कलर से बना देती हूँ इसको। ये तो ये जो लेयर है बच्चों, ये तो है ट्रोफोब्लास्ट, राइट, ये तो है ट्रोफोब्लास्ट। और ये वाला जो अंदर होता है ये होता है ICM, इनर सेल मास, अंतर कोशिका समूह। तो ये क्या करता है, ऊपर वाला तो बनाता है प्लेसेंटा, ये तो बनाता है प्लेसेंटा यानी कि अपरा, और ये ICM क्या करता है, ये अंग निर्माण में सहायता प्रदान करता है। देखिए अभी यहाँ पढ़ लेते हैं हम। पोष कोरक ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं कोशिकाओं के भीतर जो पोष कोरक से जुड़े हुए रहते हैं, पोष कोरक से जुड़े हुए ट्रोफोब्लास्ट है, इसे बोलते हैं अंतर कोशिका समूह यानी कि इनर सेल मास, ICM। अब पोष कोरक स्तर गर्भाशय अंतर स्तर से संलग्न हो जाता है और अंतर कोशिका समूह भ्रूण के रूप में अलग अलग या विभेदित हो जाता है। संलग्न होने के बाद गर्भाशय कोशिकाएं तेजी से विभक्त होती है और कोरक पुट्टी को आवृत कर लेती है, राइट। इसके परिणाम स्वरूप कोरक पुट्टी गर्भाशय अंतर स्तर में अंतर स्थापित एम्बेडेड हो जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, अंतरोपण की इम्प्लांटेशन कहा जाता है, और बाद में सगर्भता का रूप धारण कर लेती है। यानी कि प्रेगनेंसी का पता कब लगेगा, प्रेगनेंसी का पता तब लगेगा जब, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है G और H। G और H का मतलब ये G, ये H, राइट। तो प्रेगनेंसी का पता कब लगेगा, जब ये जो कोरक पुट्टी है, कोरक पुट्टी इस लेयर से, गर्भाशय की लेयर से एम्बेडेड हो जाएगी, यानी कि ये चीज हो चुकी है, ये स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि फीमेल प्रेग्नेंट है, फीमेल की प्रेगनेंसी का पता लगा लिया जाएगा, इससे पहले पता लगाया नहीं जाता है। तो ओवरऑल हमारा जो आज का टॉपिक था, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, बच्चों कंप्लीट हो चुका है, राइट। नेक्स्ट में हम सगर्भता और भ्रूणीय परिवर्धन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हमने NCERT का फर्टिलाइजेशन और ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है हमारा पूरा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करेंगे। टिल देन आपको क्या करना है, जो NCERT की लाइन आपको पढ़ाई जा रही है, आपको बहुत अच्छे से इसको क्लियर करना है और अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ में आगे बढ़ते हुए अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से बूस्ट करना है, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग, बाय बाय।